श्रीमती गीता पुष्कर धामी जी ने राणा प्रताप विद्यालय में आयोजित 5 दिवसीय कार्यशाला में बच्चों को संबोधित करते हुए कहा कि बच्चे देश का भविष्य हैं और इन्हीं बच्चों में से कोई देशभक्त बनेगा और कोई जिलाधिकारी, कोई पुलिस में जाएगा। इस प्रकार बच्चे विभिन्न क्षेत्रों में जाएंगे, चाहे वह खेलों का क्षेत्र हो या शासन में। बच्चों को चाहिए कि वे अपने अपने क्षेत्र में लीडर बनने का काम करें। लीडर से तात्पर्य है कि वह जिस क्षेत्र में जाएं वहां पर अपनी छाप छोड़नी चाहिए, तभी वे अपने देश का नाम रोशन कर पाएंगे। इंटर कॉलेज विद्यालय में आपकी जो है आज वर्कशॉप लगाई गई थी और जिसमें हमारे विभिन्न विद्यालयों के बच्चों ने प्रतिभाग किया है और बहुत सारी चीज़ें हमें इनके बच्चों को सीखने के लिए मिली हैं। विभिन्न विद्यालयों के हमारे छात्र छात्राएं, साथ में हमारे शिक्षकगण यहाँ पे मौजूद रहे और आज माननीय मुख्यमंत्री जी के प्रयास से उनके प्रयासों से और हमारे ONGC के माध्यम से हमारी आज़ादी का अमृत महोत्सव और स्वच्छता ही सेवा के मिशन को जो है पूरा करते हुए आज बच्चों में स्कूल बैग वितरण किए गए, जिसमें बच्चों को वाटर बॉटल, साथ में ज्योमेट्री बॉक्स और बुक्स भी दी गई हैं और बच्चे बहुत खुश हैं और जो है सभी को मैं बहुत बहुत बधाई देती हूँ। बहुत बहुत शुभकामनाएं। R9 भारत के लिए।